आपने इन बीजों को क्रमशः क्यों जमाया हुआ है? हमने ये बीज क्रमशः इसलिए जमाए हैं ताकि अंकुरण होने पर हम इन्हें आसानी से गिन सकते हैं। इसके बाद भैया हम इन बीजों को इसी बूरी से इस प्रकार ढक देते हैं। इसके बाद भैया हम इस बोरे पर पानी छींच देते हैं। इसके बाद भैया हम इस बोरे को सुरक्षित स्थान पर रख देते हैं। भैया आप इसे कितने दिन तक रखते हैं? 3-4 दिन तक रख रहने देते हैं और हर दिन हम इसे पानी से गीला करते रहते हैं। 3-4 दिन बाद जब बीज अंकुरित हो जाते हैं तो भैया हम बोरे को खोलकर उन बीजों को गिन लेते हैं। गिनने के बाद हमें बीजों का अंकुरण प्रतिशत पता चल जाता है, जिससे हमें अपनी बीज दर का पता चल जाता है। भैया कितना अंकुरण प्रतिशत होने पर हमें प्रति एकड़ कितना बीज बोना चाहिए? 70-80% होने पर हमें 40 किलो प्रति एकड़ बोना चाहिए और 60-70% होने पर हमें बीज को बढ़ाकर 45 किलो पर एकड़ बोना चाहिए और भैया 50% होने पर या उससे कम होने पर हमें उस बीज को बोना ही नहीं चाहिए। आज आपने हमें गेहूं का अंकुरण परीक्षण करके बताया, अब आप इसके हमें लाभ बताइए। गेहूं का अंकुरण परीक्षण करने से हमें बहुत से लाभ होते हैं। इससे हमें बीज की गुणवत्ता का पता चलता है, इससे हमारी बीज दर का निर्धारण होता है और पौधों की संख्या निर्धारित होती है और हमें स्वस्थ पौधे मिलते हैं, जिससे हमें अधिक उत्पादन मिलता है और अंकुरण परीक्षण करने से हमारे बीज की बचत होती है। आज आपने हमें गेहूं का अंकुरण परीक्षण करके बताया एवं उसके फायदे बताए। अब आप हमारे किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम और मैं सभी किसान भाइयों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि सभी किसान भाई बीज का अंकुरण परीक्षण करके ही बोएं और अधिक उत्पादन लें। देवेंद्र भैया आज आपने हमें गेहूं का अंकुरण परीक्षण करके बताया एवं उसके फायदे बताए एवं हमारे किसान भाइयों को संदेश दिया।